सैयदा फातिमा जोहरा के लखते जिगर, शेर खुदा के नूर नज़र, इमाम हसन के दिलबर, औलाद इमाम हुसैन काजी हमीद उद्दीन, नागौरी के खलीफाए अव्वल सुल्तान बदायूं, ख्वाजाए ख्वाजंगा, ख्वाजाए सैयद हसन शेख शाही, रतनताब रोशन जमीर, सुल्तानुल आरफीन बड़े सरकार रहमतुल्लाह अलैह, नक्शबंदी सोहर वर्दी चिश्ती कादरी हनफी हुसैनी बदायूनी का सालाना उर्स सोमवार को कुल की रस्म के साथ संपन्न हो गया। कुल की महफिल में जायरीन ने हजारों की संख्या में बड़े सरकार के दर पर हाजिरी दी, साथ ही गुलपोशी और चादर पोशी कर मन्नतें मांगी। इससे पहले रविवार को बड़े सरकार के उर्स में बड़े मेले का आयोजन किया गया, जिसके बाद रात भर दुआओं इबादत गुलपोशी के बीच कव्वालियों का दौर चलता रहा। रविवार रात को बड़े सरकार की दरगाहें पाक रोशनी से जगमगाने लगी। बाहर से लेकर अंदर तक शानदार सजावट की गई थी। दरगाहें पाक के चप्पे चप्पे पर जायरीन डेरा डाले हुए थे। वहीं सोमवार सुबह हजारों जायरीन के बीच कुल शरीफ मुकम्मल हुआ। इसके बाद जायरीन दरगाह पाक पर सलाम करने को पहुंचने लगे। पूरा दिन सरकार से मन्नतें मांगी गई, साथ ही चादर पोशी और गुलपोशी की गई। उर्स के अंतिम दिन सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी पुलिस बल मुस्तैद रहा। जायरीन को दिक्कत ना हो और हाईवे पर जाम ना लगे, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस तैनात की गई। पीर जी ने बताया कि कुल शरीफ के अवसर पर देश विदेश के हजारों जायरीन ने हाजिरी पेश की। कुल शरीफ की फातिहा के बाद कौम और मुल्क की सलामती हिफाजत और खुशहाली के लिए सामूहिक रूप से विशेष दुआ की गई। बता दें कि सुल्तान आरफीन रहमतुल्लाह अलैही अपने परिवार के साथ शाही ठाट बाट छोड़कर यमन से तशरीफ लाए थे और उन्होंने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह के राह में और खुदा के बंदों की खिदमत करने में गुजार दी।